उत्तर प्रदेश के मथुरा थाना के हाईवे इलाके में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। महिला के परिजनों का आरोप है कि उसकी हत्या उसके पति सुनील ने की है, क्योंकि सुनील आए दिन दहेज में मृतक महिला के परिजनों से कार की मांग करता था। आरोपी सुनील पीएससी का जवान है और उसकी तैनाती गाजियाबाद में है। जानकारी देते हुए सीओ रिफाइनरी राकेश कुमार ने बताया कि सरस्वती नामक महिला की शादी 6 साल पहले सुनील से हुई थी। सुनील वर्तमान में 41 बटालियन पीएससी गाजियाबाद में तैनात है। करीब 3 बजे पुलिस को फोन पर सूचना मिली कि सरस्वती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। वहीं महिला के परिजनों का आरोप है कि महिला से कार की मांग कर उसका उत्पीड़न किया जाता था। सुनील के बड़े भाई महिला से अवैध संबंध बनाता था। सुनील बाहर रहता था और उसका भाई रोज घर आता था। फिलहाल रिपोर्ट के आधार पर दहेज हत्या का मामला दर्ज किया गया है। शादी हुई थी बेटी की आपकी? क्या मामला है ये पूरा? ये भैया शादी 11 जुलाई 2013 से लेके अब तक दहेज इनकी पूर्ति में कर ही नहीं पाया। सब कुछ मैंने अपनी औकात से ज़्यादा दिया, फिर भी मेरी बेटी से ये डिमांड करते ही रहते थे। मेरी बेटी बताती रहती थी यौन उत्पीड़न भी किया इन्होंने, जिसके छोटे भाई ने, इसके बाप ने। भैया इनके पति का क्या नाम है? सुनील कुमार, वो पीएससी में नौकरी करता है गाजियाबाद। आपको सूचना किसने दी? मेरे को सूचना मेरी मैसेज ने दी, तेरी बेटी को मार दिया सरस्वती के पापा, जल्दी आ जा। इस मामले को लेकर आपने अभी तक पुलिस को तहरीर दी? कोई पुलिस को तहरीर दे दी है, लिख करके पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, मोर्चरी के लिए भेज दिया भैया, डेड बॉडी को सील करके। यहाँ देखा हमने तो माथे पे निशान है, गहरा घाव और रस्सी का गर्दन में है। हाँ भैया बर्बाद हो गए, लुट गए हम।